Hello guys, welcome in my channel Crack Neat and Easy Way with Pakpa Girl. So guys, this is the last video for biological classification, ठीक है, जिसमें मैंने आपसे virus और variants के लिए बात करी है. So keep watching and enjoy the video. Thank you. गाइज, इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट माइकोराइजा. इसका नाम आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट टर्म है. अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इस वीडियो में थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो काफ़ी इजीली इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, ठीक है. एडिशनल पार्ट है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे. शुरू करते हैं इसमें माइकोराइजा. व्हाट इज माइकोराइजा? द म्यूचुअल बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. लाइक हायर प्लांट्स कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. ठीक है, क्लियर हो गई बात. व्हाट इज माइकोराइजा? जब आप इसको पढ़ो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. अगर आपको तुरंत के तुरंत याद करना है तो मेरे पास यही ट्रिक है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, ठीक है. अब क्या करो, आप इस वीडियो को पॉज करो और दोबारा अपनी आईज को क्लोज करो और समझो कि आपने क्या अभी पढ़ा था, ठीक है. तो अपनी आईज को क्लोज करके क्या इमेजिन करना है कि माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है? म्यूचुअल बेनिफिशियल है, एसोसिएशन विद द फंगस विद द हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है. नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फंजाई. अब फंजाई बेनिफिट्स फंजाई को क्या होते हैं और प्लांट्स को क्या होते हैं? तो फंजाई को नरिशमेंट फ्रॉम रूट कॉर्टिकल सेल्स. फंजाई को जो है नरिशमेंट मिलता है किससे? रूट कॉर्टिकल सेल्स से. और प्लांट्स को फायदा क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ फंजाई, फंजाई के लिए बेनिफिट्स क्या है? शेल्टर, ठीक है. फंजाई को क्या मिलती है? शेल्टर मिलती है. और प्लांट्स को इनहांस सप्लाई फॉर H2O एंड PS, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द फंगस माइक्रोराइजा आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट इज द टाइप? कितने टाइप का है? यह है दो टाइप का, ठीक है. पहला है एक्टो माइक्रोराइजा, दूसरा है एंडो माइक्रोराइजा. एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. तो द फंगल हाइफी आर मेनली एक्सटर्नल, फॉर्मिंग अ वुडी कवरिंग ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रूट्स एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ माइसीलियम. इट्स कॉल्ड हटिंग नेट, ठीक है. इतनी लाइन समझ में आई? आई थिंक आप लोगों को आ गया कि एक्सटर्नली बनाता है, ठीक है. सो फंगल पार्टनर इसका क्या? फंगल पार्टनर है बेसिडियोमाइसेटिस लाइक बोल्चर्स एंड हायर प्लांट्स में आता है पाइनस रूट्स, ठीक है. अब हमें इसके एग्जांपल कैसे रखना है कि एक्टो में पाइनस है तो किस में पाइनस है और किस में साइकस है, कौन सा एंडो है, कौन सा एक्टो है. तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है. देखो आप लोग की आपने मम्मी की साड़ियों में देखा होगा पिन जो है किधर की साइड लगती है? बाहर की साइड लगती है ना, ठीक है. तो जब बाहर की साइड लगती है तो हम देख सकते हैं पाइनस, पाइनस और क्या हो गया, हो गया ये हो गया एक्टो, ठीक है. तो पाइनस एंड एक्टो, इट्स क्लियर नाउ. नेक्स्ट है एंडोमाइकोराइजा. द फंगल हाइफी एंटर द टिश्यू ऑफ द रूट स्प्रेडिंग इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, मतलब कि इंटरसेलुलर भी स्प्रेड होती है और इंट्रासेलुलर भी होती है. सच फंजाई नोन एज वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा. और इसमें हायर ब्रांच कौन से होते हैं? आर्किड प्लांट, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरसेस, वेरियोट्स एंड लाइकेंस के लिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अभी तक हमने फाइव क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें वायरस का नाम कहीं नहीं था, ठीक है. तो विटेकर ने वायरस को मेंशन क्यों नहीं किया इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है. सो बिकॉज वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसलिए इन्होंने विटेकर ने मेंशन नहीं किया. नेक्स्ट है वायरसेस. वायरस कैसे होते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं. स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी. वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग नेचर कैसा है? लैकिंग प्रोटोप्लास्ट, ऑब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ अ लिविंग सेल. इसको हम क्या बोलेंगे? लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी. एंड लिविंग नेचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड अक्रेंस ऑफ म्यूटेशन, ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट इसके लिविंग नेचर्स हैं, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है. टर्म वायरस किसने दिया? टर्म वायरस दिया पाश्चर ने. इसका मीन्स क्या? इसका मीन्स है वेनम और पॉइजनस फ्लूड. नेक्स्ट है एम डब्ल्यू विजेनिक ने इसको क्या किया? इन्होंने एक टर्म दिया कॉन्टेजियम बाइबियम फ्लूडियम. व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्टेजियम बाइबियम फ्लूडियम? इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम डब्ल्यू स्टेनली ने क्या बोला. ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनको आपको याद रखना है कि किसने क्या चीज कही थी, ठीक है. तो एम डब्ल्यू स्टेनली ने बताया था कि क्रिस्टलाइज टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ठीक है. तो एम डब्ल्यू स्टेनली ने बताया था कि क्रिस्टलाइज होता है वायरस. नेक्स्ट है वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ठीक है. तो अपनी होस्ट सेल के बाहर वो कैसे इनर्ट है, मतलब कि बेकार है,
ठीक है, और ये क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, एंड इनर्ट वायरस इज कॉल्ड वेरियन. स्पेस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, ये जो कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. एनवलप, एनवलप आउटर थिन लूज कवरिंग कंपोज ऑफ अ प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट. एनवलप जो है, वैसे तो जो हमारे घर पोस्ट आते हैं उसमें एक एनवलप होता है बाहर की साइड, ठीक है, तो वो कैसा होता है, वो भी तो किसी चीज का बना हुआ होता है. तो जो एनवलप वायरस का होता है वो बना हुआ होता है प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, पीएलसी का. एंड कैप्सिड, नेक्स्ट कैप्सिड आउटर प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमियर्स. इंपॉर्टेंट टर्म था इसलिए मैंने लिख दिया. न्यूक्लॉइड, न्यूक्लॉइड कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए. इस चीज को याद रखना है कि इसमें डीएनए या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते हैं, ठीक है. डीएनए कंटेनिंग वायरस को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, एंड आरएनए कंटेनिंग को बोलते हैं राइबोवायरस, ठीक है. ये जो है वो दो टाइप में हो गया, डबल है सिंगल है. तो डबल जो है वो पॉक्स वायरस में होता है, और सिंगल जो है वो M13 फेज में होता है. नेक्स्ट डबल आरएनए किस में होता है, रियो वायरस में, एंड सिंगल होता है टीएमबी एचआईवी इन्फ्लुएंजा में, ठीक है. इनके ग्रुप के हिसाब से इनको कॉमन जेनेटिक मटेरियल भी बताया हुआ है मैंने, देखिए. तो अगर ग्रुप है प्लांट वायरसेस है, अगर प्लांट वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है. प्लांट सबसे पहले प्लांट हुए थे, सब लोग पहले कितने होते, सीधे सीधे होते थे, ठीक है, काफी सीधे सच्चे लोग होते थे. तो सबसे पहले प्रिमिटिव आरएनए था, ठीक है. तो सबसे सिंपल एसएस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन प्लांट्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल की भी, तो एनिमल तो हर टाइप के हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए दोनों टाइप के आ गए, पर डीएनए सिर्फ डबल स्टैंडर्ड के आए. और बैक्टीरियल, बैक्टीरियल मैंने आपको बताया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है. मैंने आपके इसी चैप्टर की जो वीडियोस मैंने आपको पूरा बताया हुआ था. नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरल डिसीजेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मेरे पास ट्रिक्स भी हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे. सबसे पहले वायरल डिसीज दोनों में होती है, मैन में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है. तो सबसे मैन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मम्स, एड्स, पोलियो, पोलियोमाइलिटिस, जर्मन मिसल्स एंड मिसल्स, ठीक है. तो मेरे पास एक ट्रिक है और काफी फनी ट्रिक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे, और काफी ईजी ट्रिक है, ठीक है. तो देखते हैं, स्मॉल मम एड माई जर्मन मौसी, ठीक है. तो मेरी एक स्मॉल, मेरी मम्मी जो है वो क्या है, एड्स बनाती है, ठीक है. एड जो हम लोग मूवी देखते हैं और या कोई भी सीरियल देखते हैं बीच बीच में आता है वो एड, ठीक है. तो इन स्मॉल मम्मी, मतलब एक छोटा सा एड मेरी मम्मी मैंने बनाया, जिसमें क्या है, मेरी मौसी. इस तरीके से अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेंगे. तो इन स्मॉल मम एड माई जर्मन मौसी, ठीक है, उन्होंने उस एड में काम किया है. नेक्स्ट है इन प्लांट्स, इन प्लांट्स टबैको मोजेक एंड पोटैटो लीफ रूल. इसके ट्रिक है टॉप पॉट, इसको आप रखेगा इसी नॉर्मल मैंने बना दिया, ठीक है. जैसे चाइनीज बोलते हैं टॉप पॉट, टपॉट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टॉप पॉट, इट्स इजी. नेक्स्ट बात करेंगे वेरियोट्स के लिए, स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होते हैं वेरियोट्स, डिस्कवर्ड किया डाइनर ने. देखो एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक वायरस आया था उसमें डी नहीं था, ठीक है. और नेक्स्ट जैसे कि प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स में भी कहीं डी नहीं है, पर अगर आप देखें कि वेरियोट्स में डी आता है, तो डिस्कवर किसने किया, डाइनर ने किया, और डाइनर में भी डी आया है, वेरियोट्स में भी डी आया. तो इसको ऐसे याद रखेंगे, यहाँ डाइनर में भी डी है, वेरियोट्स में भी डी है, ठीक है. इन्फेक्शियस आरएनए है, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है. वेरियोट्स आर नोन टू कास्ट डिसीज इन प्लांट्स ओनली, तो वेरियोट्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स में डिसीज कास्ट करते हैं, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कास्ट बाय वेरियोट्स. इसमें भी देखो आप डी आ रहा है पोटैटो, इसमें भी आप देखो डी आ रहा है डिसीज, और स्पिंडल में भी डी आ रहा है. तो आप क्या रखेंगे, वेरियोट्स डिस्कवर्ड किसने किया, डाइनर ने, और कास्ट कौन सी करता है, प्लांट्स में कास्ट करता है डिसीज, और कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. नेक्स्ट है प्रियॉन्स, प्रियॉन्स है प्रोटीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय अल्पर, ठीक है. तो देखो इसमें पी है प्रियॉन्स में और अल्पर में भी पी आ गया. कास्ट डिसीज लाइक कुरू डिसीज, लाफिंग डेथ डिसीज इन ह्यूमन्स एंड बोविन स्पंजियोफॉर्म मैड काउ डिसीज, ठीक है. तो जब उसने एक, किसने, एक काउ ने ह्यूमन को, मरे हुए इंसान को हंसते हुए देखा तो वो पागल हो गई. इस तरीके से इसकी स्टोरी बना के याद कर सकते हैं, ठीक है, इट्स इजी. नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट बात करेंगे इस चैप्टर के लिए, और आज ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है. और तो हम लास्ट बात करते हैं लाइकेंस के लिए, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म विच कंटेन अ परमानेंट एसोसिएशन ऑफ अ फंगल पार्टनर विद एल्गल पार्टनर. इससे पहले माइकोराइजा के लिए मैं बात करी थी, माइकोराइजा क्या है, फंजाई एसोसिएशन विद अ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के, ठीक है. लाइकेंस में क्या, लाइकेंस में एल्गल पार्ट है और एक है फंगल पार्ट, ठीक है. फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोंट और एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोंट. लाइकेंस कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन
स्पेशली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये हम इसको मान सकते हैं द इंडिकेटर्स ऑफ एसओ टू पॉल्यूशन. ठीक है, इंडिकेट करता है जहां पर एसओ टू पॉल्यूशन हो जाता है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा. ठीक है गाइस, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है और आप इसको पूरा रिवाइज करें एक बार तो काफी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं डाली है मैंने इसीलिए कि अगर आप इन सारी वीडियोस को भी एक घंटा देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, और मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको निकाल सकते हैं, वरना ऐसे अलग वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.